हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वाली वीडियोस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इफ कोस थीटा इक्वल्स टू 0.6 देन शो दैट 5 sin θ - 10θ इक्वल्स टू 0। सो यू हैव टू गिव अ कोस फंक्शन, मीन्स आपको कोस फंक्शन दिया है, थीटा एंगल के लिए आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स आपको प्रूफ करना है कि 5 sin θ - 3 tan θ इक्वल्स टू 0 के है। उसके लिए हमें मालूम है कि कोस थीटा गिवन है आपको 0.6, राइट? वी कैन राइट इट एज, हम पॉइंट हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, दैट मीन्स 6/10। तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 2 3 = 6, 2 5 = 10, दैट मीन्स 3/5। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3/5। हमें मूल मंत्र इसका याद है टिग्नोमेट्री का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो P/H साइन फंक्शन के लिए यूज़ होता है, B/H कॉस फंक्शन के लिए, एंड P/B टेन फंक्शन के लिए यूज़ होता है, राइट? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सो हम क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स ये वैल्यू आपको बेस और हाइपोटेन्यूज की दे दी है। हम लिख सकते हैं बेस की वैल्यू किसी कांस्टेंट से मल्टीपल कर लेते हैं, के इज़ पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज 5 के दे दिया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, सो वी कैन कैलकुलेट दिस बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल ABC। सो अप्लाई दिस इन ट्रायंगल ABC, अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC² राइट? तो AC² की वैल्यू आपको दी है 5k² एंड AB² की वैल्यू दी है 3k² प्लस BC². नाउ सॉल्विंग दिस, BC² इक्वल आ जाएगा, हम 3k² को 5k² के साइड ले आएंगे, 5 का स्क्वायर 25k² माइनस 9k², राइट? सॉल्विंग दिस 16k² आ जाएगा। सो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का होता है, दैट मीन्स BC = √16k². सो वी कैन राइट इट एज 4k, दैट मीन्स परपेंडिकुलर की आपकी वैल्यू आ गई है 4k। सो आपको तीनों साइड्स मालूम हो गई। नाउ साइन थीटा विल बी, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4k एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k, k से k कैंसिल, दैट मीन्स 4/5, राइट? एंड आपको टेन थीटा यूज हुआ है, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, आपके मंथ्स को चेक कीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, दैट मीन्स 4k/3k, कैसे k कैंसिल, इट मीन्स 4/3। सो आपको साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू मालूम है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 5 sin θ - 3 tan θ, राइट? नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड टेन थीटा, 5 × sin θ की वैल्यू 4/5 माइनस 3 × tan θ की वैल्यू 4/3, राइट? 3 से 3 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 5, दैट मीन्स 4 - 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, सो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। दिस इज राइट हैंड साइड, सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स 5 sin θ - 3 tan θ इक्वल्स टू 0 के होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, दैट मीन्स 5 sin θ - 3 tan θ इक्वल्स टू 0 के होगा, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस फंक्शन में यूज़ होने वाले साइन थीटा एंड टेन थीटा दोनों फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एंड आपने लेफ्ट साइड लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया वैल्यू को पुट करके, राइट? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 देन शो दैट फंक्शन कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 2. सो फॉर एनी ट्रायंगल थीटा आपको कोसेक थीटा की वैल्यू दे दी है एंड शो करना है कि ये फंक्शन जो है आपका लेफ्ट साइड हैंड साइड ये राइट हैंड साइड 2 वैल्यू के इक्वल है. सो हमें क्या करना है इसके लिए, आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2, राइट, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है. ठीक है, आपको मालूम है कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. दैट मींस साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस फॉर्मूले से आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो कोसेक थीटा आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. सो ये वैल्यू किसकी हो गई, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की. सो नाउ मेंशन दिस, ये हो गई आपकी 2k, किसी कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीपल मान लेते हैं एंड परपेंडिकुलर 1k. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस वैल्यू, दैट मींस आपको बेस b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में अगेन राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. सो इन ट्रायंगल ABC AC square equals to AB square plus BC square. एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, बेस वैल्यू AB square की कैलकुलेट कर लेंगे. 2K square equals to AB square plus BC की वैल्यू 1K square. So 4K square minus 1K square equals to AB square. राइट, 4 में से 1 के स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3 के स्क्वायर. दैट मींस AB इक्वल्स टू रूट 3 के स्क्वायर और रूट 3 इंटू के. सो AB की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, रूट 3 इंटू के. ठीक है, सो आपको AB की वैल्यू मालूम हो गई. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस फंक्शन. सो आपको क्या चाहिए, कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए एंड कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, राइट. सो हम इन तीनों फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का, दैट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर. साइन थीटा किसका होता है रेशो आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये मंत्र याद है आपको. नाउ पुट द वैल्यू, बेस की वैल्यू आपकी रूट 3 इंटू के अपॉन परपेंडिकुलर 1 के से के कैंसिल, दैट मींस रूट 3 आ जाएगा, राइट. साइन थीटा परपेंडिकुलर 1 के अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 के, दैट मींस 1 अपॉन 2 आ जाएगा. नाउ कोस थीटा बेस रूट 3 के अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 के, दैट मींस रूट 3 अपॉन 2 आ जाएगा. सो आपको तीनों फंक्शन की वैल्यू मालूम हो गई. नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हम ये ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड के प्रूफ कर देंगे. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, राइट. नाउ पुट द वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है रूट 3 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2. ये आपको फंक्शन दे दिया है टोटल. नाउ सॉल्विंग दिस, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रूट 3 प्लस यहाँ पर आपको 1 अपॉन 2 दिया है अपॉन में, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 आ जाएगा. हमने क्या किया, इसके अपॉन में 1 है तो 2 एलसीएम ले लिया, दैट मीन्स यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3, राइट. नाउ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगेन सॉल्विंग दिस, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 रह जाएगा, राइट. नाउ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें अपॉन में रूट वैल्यूज़ को हटाना है. सो जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट 3 प्लस अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन में क्या आ जाएगा,
a माइनस बी एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको मालूम है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, राइट। सो सॉल्विंग दिस, रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 है, सो रूट 3 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, अपॉन में टोटल हो जाएगा। सो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स आ जाएगा आपका 2। दिस इज राइट हैंड साइड, राइट फ्रेंड्स, समझ आ गया ये आपको किस तरीके से हमने सॉल्व किया। यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की, देन तीनों फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की, राइट। नाउ हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया फंक्शन का, कोट थीटा की वैल्यू आपकी रूट 3 आई है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई है, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू रूट 3/2 आ गई, पुट कर दिया आपने वैल्यू। नाउ हमें मालूम है हमने क्या किया, यहाँ पे अपॉन में 1 है तो 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3/2, ठीक है। तो हम ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यू की, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ठीक है। नाउ वैल्यू क्या रह गई, रूट 3 प्लस 1/2 प्लस रूट 3, राइट। नाउ हमें सॉल्व करना है अपॉन में रूट 3 कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए हम इस वाली वैल्यू को 2 माइनस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो हमने यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 3 हो गया, 4 में से 3 गए आपका 1 रह जाएगा, ठीक है। सो रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 सेम है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आपकी लेफ्ट राइट हैंड साइड रह जाएगी 2, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो जाता है, बहुत इजी है, सभी क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं कुछ लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, सीबीएसई बोर्ड के अपडेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।